जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों मित्रों, जैसा कि आजकल चल रहा है पूरे देश में कोरोना महामारी जिस हिसाब से फैली हुई है और फैल भी रही है, हमारे देश के डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, नर्सेस जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आती है कि कुछ लोग हैं जो माने इस तरीके का काम कर रहे हैं कि उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आप ही बताइए, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनकी विचारधारा क्या है, कौन इसके पीछे है, कौन ये करवा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। वो तो आपकी रक्षा के लिए ही लगे हुए हैं, आपकी रक्षा करने के लिए ही तो वो अपना घर बार, बच्चे, बूढ़े माँ बाप छोड़ के और आपकी सहायता के लिए 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। वो हमारे पुलिस वाले भाई हों, उनका भी काम बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, अगर पुलिस वालों की ही बात ले लेते हैं, अगर वो इतना सख्ती से कदम नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। अभी भी कुछ हुआ नहीं है, सुधर जाइए, ठीक है, और अपने कम से कम दूसरों का ख्याल मत कीजिए तो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता, उनका ख्याल कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और किसी को कोई ऐसा लक्षण आता है कि खांसी आ रहा है, सांस फूल रहा है या जुकाम हो रखा है 2-4 दिन से या उससे ज़्यादा, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उनको बताएं। नहीं तो कोरोना केयर नंबर हैं हर स्टेट में, आप उन पे फ़ोन करें, टीम खुद आएगी, आपको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं होंगी वो सब मिलेंगी। लेकिन ऐसा मत करें कि जो है अगर कोई टीम आपके मोहल्ले में जाती है और जो संदिग्ध हैं उनको मान लीजिए ले जाना चाहती है और इलाज करना चाहती है उनका ताकि वो ठीक हो जाए, आखिर वो ठीक हो जाएंगे तो आपके ही घर में तो आएंगे। ये सब बात को गौर से सोचिए और हमारा सभी लोगों से अपील है, वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, कि इस मौके में हर कोई सहयोग करें और इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। और हाँ, अगर आप सक्षम हैं तो आपके आसपास अगर कुछ गरीब लोग हैं जो अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप उन लोगों को भोजन कराइए, इससे बड़ा पुण्य और कुछ हो नहीं सकता। कि आप चाहे ईश्वर को मानते हो या अल्लाह को मानते हो, हर कोई यही सिखाता है कि अगर कोई भूखा है तो उसको खिलाइए, उसको पानी पिलाइए। तो इस घड़ी में जैसा सिचुएशन आज चल रहा है, हम सबसे उम्मीद यही करते हैं
कि आप लोग इसमें सहयोग करें और कोशिश ये करें कि कोई आपके अगल बगल भूखा ना रहे। धन्यवाद मित्रों।